तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर RS 200 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के बारे में। तो हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों कि बजाज अपने बाइक के लाइनअप को एक्सपेंड करने में लगा रही है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों बजाज अपने लाइनअप में 125cc, 250cc और 400cc सेगमेंट में कई नए बाइक्स को इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो काफ़ी लंबे टाइम से दोस्तों बजाज ने अपने बाइक्स में कुछ मेजर चेंजेस नहीं किया था, तो यही रीज़न है कि बजाज बैक टू बैक नई बाइक्स लॉन्च कर रही है। तो आने वाले दिनों में आपको कोई नया बाइक परचेस करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। तो बजाज बहुत ही जल्द RS 200 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने वाली है, तो बजाज का ये सबसे बड़ा अपडेट होगा। तो बजाज कई सारे अपडेट्स और न्यू फीचर्स के साथ इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। एक्चुअली बजाज बहुत टाइम से अपने RS 200 मॉडल में अपडेट देने की तैयारी में था, तो फाइनली आपको वो अपडेट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपने ये भी देखा होगा कि बजाज ने अपने 220 पल्सर 220 मॉडल को रिप्लेस किया है F250 के साथ। तो और भी कई मॉडल्स है जो कि 2022 में बजाज अपडेट करने वाली है। तो RS 200 अपने सेगमेंट में काफ़ी आउटडेटेड भी हो चुकी है, तो फाइनली वो टाइम आ ही गया है जब आपको सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा RS 200 में। तो बात करें अगर इसके चेंजेस की दोस्तों, तो पहले इसका लुक चेंज किया जाएगा। तो लुक की बात करें तो ये पुराने मॉडल RS 200 के साथ सिमिलर ही रहेगा, बस थोड़ा एग्रेसिव और बल्कि इसको बना जाएगा। इसके फेयरिंग को थोड़ा शार्प लुक दिया जाएगा, तो फेयरिंग आपको वही फुली फेयरिंग की तरह ही दिखने वाली है, बट फेयरिंग के नीचे इंजन कॉल में भी आपको नए ग्राफिक्स और काफ़ी अच्छे कलर दिए जाएंगे। अभी करंट मॉडल का इंजन कॉल काफ़ी सिंपल कलर में देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक्स को बेकार सा कर देती है। तो नए मॉडल में कंपनी ये गलती दोबारा नहीं करने वाली है। तो दोस्तों ये थी इसके लुक्स की बात। तो दूसरा चेंजेस इसके लाइटिंग सेटअप में किया जाएगा। करंट मॉडल के RS 200 में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, वही नए मॉडल में आपको फुली LED लाइटिंग सेटअप वाला हेडलैम्प देखने को मिलेगा। तो साथ में आपको 2 LED DRLs देखने को मिलेगा जो हेडलाइट के ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा, और फ्रंट वाइजर बड़ा और बल्की रहने वाला है। और बाकी लुक्स वाइज बाइक डे एंड नाइट में काफ़ी एग्रेसिव लुक दिखने वाली है। बाकी इसमें बॉडी ग्राफिक्स और कुछ नए कलर ऑप्शंस के ऑफर भी आपको मिलेंगे इसमें। इसके टेल लुक को भी कंपनी चेंज करने वाली है। दोस्तों नए मॉडल के रियर लुक भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन न्यू मॉडल में कंपनी कम्प्लीटली न्यू रियर LED लाइटिंग सेटअप देने वाली है, जो कि फुल्ली LED रहने वाली है। इसके साथ ही इसके इंजन को भी ट्यून करके लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि हो सकता है कि आपको इस पावर में थोड़ा इंक्रीज देखने को मिले। बाइक में माइलेज सस्पेंशन और ब्रेकिंग पुराने मॉडल जैसे ही रहने वाला है। नए मॉडल में भी आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बजाज की सबसे बड़ी चेंज हो सकती है। तो नए मॉडल में भी आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाएगा, तो बजाज इसमें राइडिंग मोड्स भी ऑफर कर सकती है, जो अब तक का सबसे अच्छा चेंज होगा पल्सर सीरीज में। तो ये अभी काउंटडाउन नहीं है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि बजाज को इसमें राइडिंग मोड्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो बात करें फाइनली इसके प्राइस और लॉन्च डेट की, तो इसके न्यू मॉडल का एक शोरूम प्राइस 1,75,000 तक हो सकता है। वही बजाज इसको मिड मंथ ऑफ 2022 तक लॉन्च कर सकती है। RS 200 का न्यू मॉडल आपको 2022 तक जैसे भी वो लॉन्च हो जाएगी, बस थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ सकता है। प्राइस की बात करें तो इसके पुराने मॉडल से नया मॉडल 10,000 to 20,000 तक ज़्यादा आ सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। तो मिलता हूँ आपको मैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।